ऑल राइट, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपडेट की एग्जीक्यूशन भी परफॉर्म करके देख ली, और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम डिलीट परफॉर्म करेंगे ताकि हमारा क्रूड ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। इम्प्लीमेंट कर लिया डेटाबेस, व्यू करा, इंसर्ट किया और लॉग के अंदर प्रिंट करवाया, गेट करके अपडेट किया, और अब हम डिलीट की जो एग्जीक्यूशन है वो परफॉर्म कर लेते हैं। तो एज ऑलवेज मैं यहाँ पे क्यूरी लिख लेता हूँ, कस्टम क्यूरी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट आईडी वेरिएबल के साथ, और यहाँ पे मैं वॉइड क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए, एंड डिलीट stu एंड स्टूडेंट आईडी और डेटा टाइप विल बी इंट एंड यस। तो मैं यूज़र इंटरफेस से स्टूडेंट आईडी लूँगा और मैं चाह रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए मेरे डीबी में से। तो मेन एक्टिविटी की मैं एग्जाम्पल में आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक मैं एडिट टेक्स्ट लेता हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ प्रोवाइड मी दी डिलीट आईडी। यूआई मैं बेसिकली रीयूज नहीं कर रहा, जो सेपरेट में कर सकता हूँ वो सेपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैं गिटहब पे अपलोड करूँगा, तो आप लोगों को जिसको भी नीड हो वो ताकि एक्सेस करे तो उसे परेशानी ना हो अगर उसे समझ में नहीं आए, यहाँ पे वो कोड देखना चाह रहा है। और सो या दैट्स इट, यही पर्पस है कि कोड मेरा कोई अगर देखे तो उसे समझ में आ जाए इजीली। और बटन डिलीट एंड टेक्स्ट डिलीट, ऑल राइट, तो मुझे दो चीज़ें कास्ट करनी है, डिलीट आईडी और बटन डिलीट। जहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हैं मैं यहाँ पे रखता हूँ डिलीट आईडी एंड बटन डिलीट। एडिट टेक्स एक डुप्लीकेट करता हूँ उसी को, डिलीट आईडी, डिलीट आईडी, बटन डिलीट का ऑब्जेक्ट कॉपी करके यहाँ पे डुप्लीकेट किया, बटन डिलीट, बटन डिलीट। ऑल राइट, तो लास्टली बटन डिलीट का मैं लिसनर सेट करता हूँ, सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू। मेरे पास दो रिकॉर्ड अभी तक मौजूद हैं, उनमें से मैं एक रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ, डाओ और डिलीट। और डिलीट के लिए मुझे डिलीट आईडी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग एंड पार्स टू द, अच्छा ये ऑल्ट प्लस इंटर से आता है सजेशंस, इंटीजर डॉट पार्स इंट, एंड फाइनली रनिंग द कोड। अभी हमने जो लास्टली प्रिंट किया था वो अपडेटेड के साथ जो दो रिकॉर्ड्स मेरे आ रहे हैं डेटाबेस स्टूडेंट डेटा से, तो इसमें से मैं यूट्यूब वाला जो डेटा है वो डिलीट करता हूँ। सेकंड का अपडेट हमने पहले रिकॉर्ड को किया था, इस बार डिलीट हम सेकंड रिकॉर्ड को करते हैं। तो यहाँ पर डिलीट आईडी 2 है उसकी, और जब मैंने यहाँ पे डिलीट क्लिक किया तो रिटर्न एक्चुअली मैंने कुछ लिया नहीं था, तो वो आप इजीली कर सकते हैं, वरना मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर ऐड कर दूंगा। अच्छा, तो हमने डिलीट का बटन क्लिक कर दिया, तो आई होप के रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो चुका होगा। नाउ क्लिक द रीड एंड यस, हेयर इट इज, ओनली द वन रिकॉर्ड इज गेटिंग थ्रू दिस रीड बटन। सो या दैट्स द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ रूम, क्रूड ऑपरेशंस जो हमने यहाँ पे परफॉर्म किए इस स्मॉल ट्यूटोरियल्स प्लेलिस्ट के अंदर, और ये बिगनर प्लेलिस्ट थी बेसिकली, और इसके अलावा जो इंटरमीडिएट और एडवांस है वो भी मैं आगे ऐड करता जाऊँगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस कोड के अंदर। जो हमने यहाँ पे जो डेटाबेस रखा है यहाँ पे, इसको हम सिंगलटन क्लास में रख सकते हैं ताकि हमें कहीं एक्टिविटीज़ कहीं फ्रैगमेंट से भी डेटा चाहिए हो तो हम बार बार ऑब्जेक्ट इस तरह ना बना रहे हो। सेकंड लिसनर मैंने बहुत इस तरह से सबको सेपरेट सेपरेट बनाया, कोई स्विच केस नहीं लगाया। और यहाँ पे जो क्यूरीज हैं ये बेसिक क्यूरीज मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाई, मतलब अगर आपको कुछ छोटी एप्लीकेशन बनानी हो तो आप इजीली इससे अचीव कर सकते हो, और ये रूम आपको अंडरस्टैंड हो जाए। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसके अंदर कर सकते हैं।
पर्पस यूज करके बेसिक्स आपको आ जाए, ग्रिप आ जाए, पर्पस समझ में आ जाए, रूम का क्या था एसक्यूएल लाइट के ऊपर। पर्पस यही था कि एसक्यूएल लाइट में अगर यही आप काम कर रहे होते तो आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं, क्योंकि उसकी क्यूरीज बहुत जो है कंपाइल टाइम पे एक तो एरर नहीं देती और पता ही नहीं चलता आपने कोई चीज़ मिस करी है, वो रन टाइम पे क्रैश हो रही होती है। यहाँ पे ये कुछ भी मैं गलती करूँगा वो रन टाइम पे ही मुझे यहाँ पे बता देता है कंपाइल टाइम पे। और डेटाबेस सिंपल सी एक क्लास बनती है जिसके अंदर हम अपनी एंटिटीज वगैरह बता देते हैं और वर्जन वगैरह जो भी हम अपडेट करते हैं, और ये हमारा टेबल होता है सिंपली। इसी क्लास को मैं आगे मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर सकता हूँ, एपीआई के अंदर यूज़ कर सकता हूँ इसको, नॉर्मल डेटा सेट गेट में थ्रू कर सकता, किसी भी तरीके से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो दैट्स इट, ये रूम का पैकेज है। किसी भी प्रोजेक्ट में आप इम्प्लीमेंट करना चाहें यहाँ से कॉपी करके आप उस प्रोजेक्ट में इम्पोर्ट करें और ईजिली यूज़ करें। तो इस प्रोजेक्ट को मैं गिटहब पे भी अपलोड कर दूंगा तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस प्लेलिस्ट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड एंजॉय। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड द प्लेलिस्ट, एंड लेट मी नो इफ यू वॉन्ट अनदर वीडियो अनदर प्लेलिस्ट, आई विल बी अपलोड।